नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक टोली के अंदर। दोस्तों यार, आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों यार, हाल ही के अंदर जो है काफ़ी सारे देश हैं, जिनमें से एक इंडिया भी है, जिसने क्रिप्टो करेंसी को अभी जो है बैन करने का जो है फैसला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, सारे के सारे जितने भी देश हैं ना, वो सभी जो क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो है क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। तो ऐसे में जितनी भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है ना, वो सभी तो दोस्तों यहाँ पे बैन नहीं होगी, उनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि बैन होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात आती है इंडिया की, कि इंडिया के अंदर जो पाई नेटवर्क है वो बैन होगा या फिर नहीं होगा, और अगर वो बैन नहीं होगा तो उसकी जो मार्केट की जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, और कब तक जो है पाई नेटवर्क जो है यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आप में से भी जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी हज़ारों की संख्या में, किसी के 10,000, किसी के पास 15,000, किसी के पास 400, किसी के पास 500 पाई जो है अभी अवेलेबल है। तो ऐसे में हर किसी बंदे के मन में एक ही दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि पाई नेटवर्क वो बैन होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों यार, काफी सारे बंदे ऐसे भी है जिन्होंने पाई नेटवर्क के अंदर जो अभी माइनिंग करना बंद कर दिया है। पाई के अलावा भी जैसे काफी सारी और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन हो गई, इथेरियन हो गई, या फिर जो ट्रॉन हो गई, उसके अलावा भी यहाँ पे जो डॉग कॉइन वगैरह काफी सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो वीडियो के अंदर आपको जो कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है कि पाई नेटवर्क बैन होगा या फिर नहीं होगा, और इसकी जो मार्केट की प्राइस है, जो इसकी वैल्यू है, वो क्या रहने वाली है, और अगर दोस्तों ये बैन नहीं होता है तो कब तक इंडिया के अंदर जो है पाई नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपने जो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यार, इंडिया में या फिर जो काफी सारे देश और हैं जिन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का जो फैसला लिया ना, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको बता देता हूं कि यह फैसला क्यों लिया गया है। दोस्तों आप लोग जो अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि पाई बैन होगा या फिर बिटकॉइन बैन होगा, आप मेरी बात को जो अच्छी तरीके से एक बार सुन लेना। क्योंकि दोस्तों, जितने भी देश है ना, इन्होंने क्या है क्रिप्टो करेंसी को अभी बैन करने का जो फैसला ले लिया है, और हाल ही में जो है थोड़े दिनों के अंदर अंदर आप जो देख लेना, क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो जाएगी। लेकिन कौन सी क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, जैसे बिटकॉइन हो गई, इथेरियन हो गई, पाई नेटवर्क हो गई, या फिर ट्रॉन हो गई, ये दोस्तों जो करेंसी है ना, जैसे बिटकॉइन, ट्रॉन, इथेरियन, ये करेंसी बैन नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया से भी जो है काफ़ी सारे लोगों ने, आप मान के चल सकते हो कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपए इंडिया से भी जो है लोगों ने इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे तो दोस्तों यार, जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इनका इंडिया में भी जो है काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि अगर इन क्रिप्टो करेंसी को अगर इंडिया में बैन कर दिया गया ना, तो लोगों को अरबों रुपए का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हो गई थी, हाल ही में भी उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल पर है। ऐसे में दोस्तों, पाई भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे में दोस्तों जो भी यहाँ पे प्राइवेट जो भी क्रिप्टो करेंसी है ना, वो सारी की सारी बैन हो रही है। इंडिया में भी बैन होगी, दुनिया भर के जितने भी देश है ना, वो सारे के सारे उन क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लोगों के साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। वो क्या करते हैं, उनको लिस्टेड करवा देते हैं, उसके थोड़े दिन बाद में वो भाग जाते हैं, या फिर वो क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान होता है। जबकि यहाँ पे जैसे पाई नेटवर्क हो गया, या फिर जो बिटकॉइन हो गई, ये एकदम लिजिट चीज़ है, एकदम बढ़िया लिजिट यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है, ये दोस्तों कभी भी जो है फेल होने वाली नहीं है। हालांकि भविष्य में अगर कभी बिटकॉइन फेल होती है तो उसका हम कोई कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी ये क्रैश हो सकती है, लेकिन हाल ही में इनकी जो वैल्यू है ना, उस हिसाब से बिटकॉइन या फिर ट्रॉन, इथेरियन वगैरह, ये सारी जो भी क्रिप्टो करेंसी, ये बिल्कुल भी यहाँ पे जो क्रैश नहीं होने वाली। तो ऐसे में इंडिया की जो सरकार है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी प्राइवेट, यानी कि जो भी यहाँ पे मान के चल सकते हो, जो भी घटिया क्रिप्टो करेंसी है, जो लोग यूज करते हैं लेकिन बाद में वो क्रैश हो जाती है, तो उन सारी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे लिजिट और जो भी एकदम जेन्युइन होगी, तो पाई नेटवर्क भी इनमें एकदम जेन्युइन होगा, और दोस्तों पाई नेटवर्क यहाँ पे जो है लॉन्च भी होने वाला है, क्योंकि अब पाई नेटवर्क बहुत ही जल्द यहाँ पे जो इंडिया में लिस्टेड हो जाएगा, और उसके बाद में जो पाई की वैल्यू है ना, वो काफ़ी ऊपर तक जाने वाली है। इसका दोस्तों यहाँ पे कारण है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी जितनी भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी थी पहले, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी क्रिप्टो करेंसी, जो बड़े वाली क्रिप्टो करेंसी थी, उनके अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। मान लीजिए आपको अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो अगर आप मान लीजिए बिटकॉइन खरीदते हो, तो आपको जो 30 लाख रुपये देने पड़ेंगे। उसी के अलावा अगर जो छोटी सी जो प्राइवेट यहाँ पे क्रिप्टो जो करेंसी होती है, उसको अगर आप खरीदते हो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये में आप जो उसको बाय कर सकते हो।
लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी अगर क्रैश हो जाती है तो आपको उसमें एक लॉस ही लॉस यहाँ पे होने वाला है। लेकिन जो लिजिट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन या फिर जो पाई नेटवर्क है, दोस्तों यहाँ पे जो है क्रैश वगैरह नहीं होने वाली। तो अब दोस्तों बात आती है कि पाई नेटवर्क जो है कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों अगले 6 मंथ के अंदर जो है पाई नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है ना, वो भी काफ़ी बार जो है पाई कोर की जो टीम है वो दे चुकी है कि 6 मंथ के अंदर या फिर जो है 3 मंथ के अंदर या फिर जो 7 मंथ के अंदर, तो इस चीज़ के बारे में वो नए नए अपडेट्स वगैरह यहाँ पे देते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि पाई नेटवर्क का जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यार पाई नेटवर्क का जो वैल्यू है ना, उसके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि जब तक ये जो छोटे वाली जो क्रिप्टो करेंसी थी ये बैन नहीं हुई थी, उस समय जो पाई की वैल्यू बताई जा रही थी वो आप मान के चल सकते हो $0.50 के आसपास बताई जा रही थी, लगभग इंडियन 30 या फिर 35 रुपए के आसपास बताई जा रही थी। लेकिन हाल ही में ये जो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बैन हो जाएगी ना, उसके बाद में जो इसकी वैल्यू है वो अप्रोक्स यहाँ पे दोस्तों बोली जा रही है कि $5 से लेकर के जो $10 है उसके बीच में एक पाई की यहाँ पे जो है वैल्यू होने वाली है। तो दोस्तों यार ये अप्रोक्सीमेट है, ऐसा कन्फर्म नहीं है कि $5 से $10 ही होगी। ये दोस्तों यहाँ पे जो जो नए नए आर्टिकल आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के या फिर जो काफ़ी सारी और भी जो पाई कोर की टीम है वो अपडेट्स देती है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि $100 के आसपास यहाँ पे, तो यार दोस्तों ऐसा थोड़ी ना होता है, $100 वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर पाई की जो वैल्यू है अगर वो जेन्युइन वैल्यू निकालेंगे तो वो $5 से $10 के बीच में ही होने वाली है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। हाँ, $5 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि छोटे वाली जो भी करेंसी है वो सारी की सारी बैन हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाई नेटवर्क जो है इंडिया में अभी बैन नहीं होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो भी थी ना वो सारी की सारी बैन हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी थी वो इंडिया में बैन नहीं होगी। प्राइवेट जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सारी की सारी बैन कर दी जाएगी। तो बताइए दोस्तों यार आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।